हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर आज की इस वीडियो में हम कंटीन्यूस इन कॉम्प्रीहेंसिव एवेलुएशन क्या होता है वो जानेंगे देखिए सी सी ई कंटीन्यूस इन किसी भी आपके एक सब्जेक्ट से सीमित नहीं है ये आपके बीएड के बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक टॉपिक है तो इसको बिल्कुल अच्छे से करें नाउ लेट सी वॉट इज सी सी ई so it was a process of assessment this approach to assessment was introduced by state government in india as well as by the cbsc in india for students of 6th to 10th grades and in some schools till 12th so basically नाम से समझिए सबसे पहले कंटीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कंटीन्यूस मतलब लगातार कॉम्प्रिहेंसिव मतलब किसी एक क्षेत्र में नहीं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से मूल्यांकन होगा अब वो कैसे कंटिन्यूस मतलब लगातार पूरे साल बच्चों के टेस्ट बच्चे का मूल्यांकन हम करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव मतलब किसी एक क्षेत्र में ही बच्चे का मूल्यांकन नहीं होगा को करिकुलर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दी जाएगी जितना हम करिकुलर को देते हैं मतलब बच्चा खेल कूद में कैसा है बच्चा आर्ट में कैसा है बच्चा म्यूजिक में कैसा है उसका डिसिप्लिन कैसा है पंक्चुअलिटी कैसी है तो हर एक बेसिस पे चाहे वो उसकी पर्सनालिटी के हो को करिकुलर हो या अकैडमिक्स हो हर एक चीज़ के बेसिस पे बच्चे का इवालुएशन होगा अब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था वो किया था स्टेट गवर्नमेंट्स ने हर एक राज्य की सरकार ने और सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इंडिया में अब ये सी जो है वो इम्प्लीमेंट होता है लागू होता है सिक्सथ से ले कर टेंथ क्लास तक के बच्चों के लिए और कुछ कुछ स्कूलों में बारहवीं यानी कि ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए भी द मेन एम ऑफ़ सी सी ई वॉज़ टू इवेलुएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग देयर ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट द स्कूल अब देखिए बच्चा स्कूल में आ रहा है जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहा है हर एक एक्टिविटी के बेस पे हम उसका मूल्यांकन यानी कि दिस टू हेल्प रिड्यूस द प्रेशर ऑन द चाइल्ड ड्यूरिंग बिफोर एग्जामिनेशन एज द स्टूडेंट्स विल हैव टू सिट फॉर मल्टीपल टेस्ट थ्रू आउट द ईयर देखिए पहले क्या होता था पहले बच्चे को साल के आखिरी में सिर्फ एक एग्जाम देना होता था और उस वक्त बच्चा बहुत प्रेशराइज फील करता था स्ट्रेस्ड हो जाता था डिप्रेस्ड हो जाता था क्योंकि देखिए साल में एक बार हम टेस्ट लेके ये बिल्कुल नहीं जान सकते हैं कि पूरे साल भर बच्चे ने कैसा किया अब देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं इतने सारे चैप्टर्स होते हैं बारह तेरह पंद्रह चैप्टर्स उनको इकट्ठे याद नहीं रख पाते हैं प्लस बच्चे प्रेशराइज फील करते हैं अब सपोज़ किसी बच्चे की उस टाइम पे तबीयत ख़राब हो गई और वो अच्छा नहीं कर पाया और वो पढ़ने में बहुत अच्छा है वो बच्चा तो ऐसे में उसका नुकसान हो जाता है पर सी सी ई आने के बाद कंटिन्यूस इवेलुएशन्स हो रहे हैं इसमें देखिए बहुत बार बच्चा टेस्ट में बैठता है अगर एक टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है तो अगली बार उसके पास चांस होता है कि वो रीअपियर हो सके और अगली अपने इवेलुएशन को अगले टेस्ट को अच्छा कर सके Now let's read further. Of which no test or the syllabus covered will be repeated at the end of the year whatsoever. देखिए अब जो syllabus एक बार test में आ गया वो दोबारा repeat नहीं होता है मतलब यहाँ पे टुकड़ों में पढ़ाई हो रही है पूरे syllabus की जहाँ पहले पूरे साल भर का course एक साथ आ जाता था अब थोड़े थोड़े number of chapters का test बच्चे को देना होता है The CCE method was claimed to bring enormous changes from the traditional chalk and talk method. ऑफ़ टीचिंग प्रोवाइड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एक्यूरेटली देखिए पहले चॉक टॉक मैथड चलता था मतलब लैक्चर मैथड से टीचर्स पढ़ा रही है टीचर बोल रही है और ब्लैकबोर्ड पर लिख रही है और वही ट्रेडिशनल क्लासिकल वे ऑफ टीचिंग चलता था सी सी ई आने के बाद उसमें बिल्कुल बदलाव आए हैं एंड अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और उस एक्टिविटीज़ के बेसिस पे बच्चे का इवेल्यूएशन होता है फॉर असेसमेंट द स्कॉलास्टिक एरिया द एकेडमिक ईयर इज़ डिवाइडेड इंटू टू टर्म्स अब देखिए इसमें हम पूरे साल को क्या करते हैं पूरे अकेडमिक ईयर को दो हिस्सों में बांट देते हैं फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में अब देखिए जो आपका फर्स्ट टर्म होता है वो होता है अप्रैल टू सेप्टेम्बर एंड सेकेंड टर्म जो होता है वो होता है अक्टूबर टू मार्च अब फर्स्ट टर्म में दो फॉर्मेटिव होते हैं और एक समेटिव और ऐसे ही टर्म टू में भी दो फॉर्मेटिव होते हैं और एक सबमिटिव तो इस तरह से फर्स्ट टर्म आपका फिफ्टी परसेंट का होता है जिसमें वेटेज होती है फॉर्मेटिव असमेंट की दस दस परसेंट की और सबमिटिव असेसमेंट की थर्टी परसेंट की तो फर्स्ट टर्म फिफ्टी परसेंट का सेकेंड टर्म फिफ्टी परसेंट का और इस तरह से हंड्रेड परसेंट एक अकेडमिक ईयर बनता है देखिए जैसा टेबल आपको यहाँ नज़र आ रहा है आगे और भी टेबल्स मैंने बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर किए हैं इस टॉपिक के लिए तो ये सब आपको बनाने हैं क्योंकि सी सी का टॉपिक आपको टेबल्स के थ्रू कि क्या बेसिकली वो है वो आपको समझाना पड़ेगा तो बिल्कुल अगर ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ये टेबल्स बनाने हैं ओके रीडिंग फॉर्दर द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ अ टूल इन टीचर्स टूल किट देखिए जैसे एक मकैनिक के पास अपनी टूल किट होती है उसके औजार होते हैं उसमें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसे ही एक टीचर की टूल किट का हिस्सा है अब देखिए इससे फीडबैक मिलता है बच्चे को भी बच्चे के पेरेंट्स को भी और टीचर को भी कि बच्चे ने जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा था तो उसको कितना उसके बीच उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में समझ आया तो ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू टीचर को भी पता चलता है पेरेंट्स को भी पता चलता है एंड स्टूडेंट को तो बिल्कुल उसका फीडबैक मिलता ही है अब देखिए टीचर को भी पता चलता है कि टीचिंग में कहाँ प्रॉब्लम आई कहाँ उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है बच्चे को पता चलता है कि लर्निंग प्रोसेस में कहाँ उसने गड़बड़ करी है कहाँ पर उसको और मेहनत करने की ज़रूरत है अब जो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं कि प्रोजेक्ट ले कोई सी प्रोजेक्ट के बेसिस पे वैल्यूएशन हो गया कोई असाइनमेंट टीचर ने दे दिया क्लास टेस्ट हो गए तो बेसिकली ये क्लास के लेवल पर हो जाते हैं नाउ टॉकिंग अबाउट सामिटिटिव असेसमेंट को पेपर पेन टेस्ट कहा जाता है इसकी वेटेज भी थर्टी परसेंट होती है साल में दो समेटिव असेसमेंट होते हैं अब इसमें आधे आधे कोर्स में अकेडमिक ईयर डिवाइडेड हो जाता है एक एग्जाम आपका सितंबर में होता है और एक मार्च में तो इसको पेपर पेन टेस्ट बेसिकली कहा गया है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पेपर होता है और उसको बच्चे को उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स लिखने होते हैं नाउ ग्रेडिंग अंडर सी सी अब सी सी के अंडर ग्रेडिंग कैसे होती है देखिए ग्रेडिंग सेकेंडरी एलिमेंट्री और प्राइमरी क्लासेस के लिए अलग है अब मैं प्राइमरी से स्टार्ट करती हूँ प्राइमरी के लिए होती है फाइव पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम एलिमेंट्री के लिए होती है सेवन पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम और सेकेंडरी यानी कि नाइन 9th के लिए होता है 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम मतलब 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल होता है एलिमेंट्री होता है आपका 6 7 8th और प्राइमरी होता है 1 टू 5 नाउ वी विल सी द टेबल फॉर प्राइमरी क्लास 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल देखिए ये टेबल्स बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में बनाने हैं अगर सीसी का क्वेश्चन आता है तो तो ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री ग्रेड फोर ग्रेड फाइव ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्रेड वन मीन्स आउटस्टैंडिंग ए प्लस और इसकी मार्किंग स्कीम होती है नाइन्टी परसेंट से हंड्रेड परसेंट ग्रेड टू इज़ एक्सेलेंट ग्रेड दिया जाता है ए सेवेंटी फाइव टू एटी नाइन परसेंट देन वेरी गुड बी 56 परसेंट टू 74 परसेंट देन ग्रेड फोर गुड सी 35 फाइव टू फिफ्टी परसेंट एंड लास्ट वन इज़ ग्रेड फाइव कैन डू बेटर डी ग्रेड देते हैं इसमें हम बिलो 35 परसेंट के बच्चों को नाउ फॉर सेकेंडरी क्लास सेकेंडरी क्लासेज आपकी हो गई नाइन्थ एंड टेंथ इनके लिए हम नाइन पॉइंट ग्रेडिंग स्केल यूज करते हैं मार्क्स रेंज ग्रेड और ग्रेड पॉइंट आपके सामने है और इस हिसाब से ही हम बच्चों के जो इवालुएशन करते हैं इसी ग्रेडिंग स्केल से नाइन टेंथ के बच्चों का पर्टिकुलरली करते हैं मार्क्स रेंज रहती है 91 टू 100 ग्रेड दिया जाता है ए1 देन ग्रेड पॉइंट 10 ऐसे ही करके मार्क्स रेंज 81 टू 90 71 टू 80 61 टू 70 और ये फर्दर डिक्रीज होती है टिल 20 लास्ट हम यहाँ पे मार्क्स रेंज रखते हैं देन ग्रेड चलते रहते हैं ए1 ए2 बी1 बी2 सी1 सी2 डी ई1 ई2 तो लास्ट होता है ई2 हमारा यहाँ पे एंड ग्रेड पॉइंट्स 10.0 से स्टार्ट होके 4.0 3 थ्री से फिफ्टी रेंज तक जिसके मार्क्स होते हैं उनको हम दे हैं सो so यही था बेसिकली सी सी ई के बारे में कैसे आपको क्वेश्चन में अगर आता है या आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है वो मटेरियल भी मैंने दे दिया है आपको यहाँ पे देखिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको नोट्स चाहिए हो प्रपर्ली या किसी भी सब्जेक्ट के ओवरऑल नोट्स सो डू लेट मी नो योर ई मेल आई डी इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू